Hello viewers, welcome to my cooking channel Rannar Sahaj Path. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बनाएंगे पनीर का एक डेलीशियस रेसिपी, पनीर पसंदा। तो इस रेसिपी के लिए क्या क्या लिया मैंने आपको दिखा देती हूँ। 300 ग्राम पनीर स्लाइस कर लिया, फ्रेश कोरिएंडर लीफ हाफ कप, फ्रेश पुदीना लीफ हाफ कप, 4-5 काजू, आमंड चार, 3 हरा मिर्च, खसखस यानी कि पॉपी सीड 1 चम्मच, 4 मगज 1 चम्मच। ये हमने थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के रख दिया, इसको हम पेस्ट कर लेंगे। फेटा हुआ दही 1 कप, कसूरी मेथी 1 चम्मच, खड़ा मसाला 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, दालचीनी 2 छोटे टुकड़े, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, सौंफ पाउडर यानी कि मौरी पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय चम्मच, ओनियन पेस्ट 2 बड़े चम्मच, लहसुन की पेस्ट 1 चाय चम्मच, 1 बड़े चम्मच सफोला ऑयल, 1 बड़े चम्मच बटर। क्रीम हमने ले लिया गार्निशिंग के लिए। ये खाना हम बनाएंगे क्वीन पॉट में। कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। ओवन में पैन चढ़ा दिया, पहले ढककर इसको गरम कर लेंगे। 2 मिनट में गरम हो जाएगा। पैन हमारा गरम हो चुका है, पहले डालेंगे ऑयल, अब डालेंगे बटर। बटर पिघल चुका है, अब हम एक एक करके पनीर को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा सा कच्चापन चला जाए इतना तक पनीर को हमने फ्राई करना पड़ेगा। नमक और गरम पानी मिला के घोल बना लिया, इसमें एक एक करके पनीर को हम डालते जाएंगे। पनीर टेस्टलेस होता है अगर इस तरह सॉल्टेड पानी में इसको भिगो के रख देंगे, तो ये सॉफ्ट भी होगा और इसके अंदर थोड़ा टेस्ट भी आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे ये खड़ा मसाला, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, 3 लौंग और 8-10 काली मिर्च। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। खड़ा मसाले का खुशबू इसके अंदर आ गया, इसको उठा लेंगे। अब हमें डालना है गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, डालेंगे ओनियन पेस्ट। 2-3 मिनट तक इसको हमें भून लेना पड़ेगा। प्याज हल्का सा भून लिया, पुदीना, हरा धनिया, 4 मगज, काजू, आमंड, खसखस और हरा मिर्च डाल के जो पेस्ट हमने बनाया था अब इसमें वो डाल देना है। थोड़ा सा भून लेंगे 3-4 मिनट, इसको हमने भूनना पड़ेगा। अब डालना है फेटा हुआ दही, सौंफ पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर। मसाला डालने के बाद भी 2-3 मिनट हमने इसको चला लेंगे। 2 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे। 2000 years later. ढक्कन खोल के देखें, ग्रेवी रेडी हो गया। अब हमें इसमें डालना है नमक, 1 कप पानी। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत तो थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। पानी में थोड़ा सा उबाल आने देंगे, फिर इसको ढक्कन लगा देंगे। A few minutes later. देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब हमें पनीर इसमें डालना है। सावधानी से डालना पड़ेगा, नहीं तो पनीर टूट सकता है। अब हम इसको ढक देंगे और स्टीम आने तक इंतजार करेंगे। A few minutes later. अब क्वीन का मैजिकल ट्रिक्स देखिए, अंदर स्टीम आ गया। अब हमने इसको थोड़ा सा घुमा देंगे,
और गैस ऑफ कर देंगे। बस बिल्कुल निश्चिंत, कम से कम 20 से 25 मिनट तक इस तरह रहने देंगे। अगर ज्यादा देर हो तो भी चलेगा। अब जब भी खाना खाएंगे, गर्मा गर्म खाना आपको इसके अंदर से मिलेगा। तो दोस्तों, रेडी हो गया आज का हमारा रेसिपी, पनीर पसंदीदा इन क्वीन पैन। अब हमें देखना है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, देखिए अपने आप बनके तैयार हो गया है हमारा पनीर पसंदीदा। गार्निशिंग के लिए डालेंगे क्रीम। गर्मा गर्म इसको परोसेंगे। तो देखिए दोस्तों, किस तरह हमारा ये रेसिपी ब्यूटीफुली बनके तैयार हो गया। आप बनाइए, खाइए और आपका अनुभव मुझसे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।